हे गाइस, वेलकम टू माय लास्ट इन जानो। तो गाइस, बहुत ज़्यादा अपडेट है डब्ल्यू लीग से, डॉम से, जे ऊसो से, रोमन रेन से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट अपडेट हमारी जुड़ी हुई गाइस डर्टी डॉम से। तो डॉम को गाइस नेक्स्ट ईयर 2024 में बहुत खतरनाक पुश मिलने वाला है। और ये स्पोर्ट्स मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं जो अपडेट्स डालते हैं उनकी तरफ से अपडेट है कि डॉम को नेक्स्ट ईयर बहुत खतरनाक पुश मिलने वाला है। उनके लिए बहुत बड़े प्लान है, इसलिए उन्हें जजमेंट डे में डाला गया था। उसके बाद उन्हें नॉर्थ अमेरिकन दे दी गई। अब वो एनएक्सटी में भी काम करते हैं एंड रॉ में भी, दोनों रोस्टर्स में काम करते हैं। तो गाइज, स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग मतलब रेसल सोर्स के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई डॉम को नेक्स्ट ईयर बिग पुश देने वाली है, मतलब नेक्स्ट लेवल पे पुश देने वाली है, ताकि वो उन्हें नेक्स्ट लेवल का सुपरस्टार बना सके। क्योंकि आपको पता है यार, जो डॉम है, जो ऑस्टिन थ्योरी लाइक ग्रेसन बोले, इन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई नेक्स्ट लेवल के फ्यूचर में बिगेस्ट सुपरस्टार देखती है। तो गाइज, इसके लिए डॉम को एक नेक्स्ट लेवल पुश मिलेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये डॉम से अपडेट थी। वो भाई, वो जो काम कर रहे हैं ना, परफेक्ट हील, जो उन्हें हेट मिलती है वो तो कतई खतरनाक है। अब वो फेस में होगा या हील में होगा, अब वो नेक्स्ट ईयर पर चलेगा। तो मैं नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई गाइज जे ऊसो तो से। तो जे ऊसो ने चैलेंज किया है यंग बक्स को भी एंड हमारे कॉर्नर मैकग्रेगर को भी, जो यूएफसी में स्टार थे। तो यूएफसी में स्टार थे तो कॉर्नर मैकग्रेगर डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहुत बुरा बुरा बोलते थे। तो बोलते थे कि ऐसे ही फेक स्पोर्ट है, ये वो है। तो ब्रॉक लेसनर ने एक बार उनकी छील दी थी। उन्होंने कहा था कि ही इज़ ए 15 pound मैन, मतलब 50 किलो का बंदा है, उसमें मेरे मतलब जो पार्ट है उसके बराबर उसका वेट होगा। तो उन्होंने ये कह दिया था एंड भाई साहब, उसके बाद कॉर्नर मैकग्रेगर कुछ कहने के लायक नहीं बचे। तो उन्होंने कहा, अगर तुझमें हिम्मत है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिंग में आ और फाइट कर ले। तो रोमन रेंस ने भी कहा था, लेकिन अब जे ऊसो ने ड्रीम मैचेस का प्लान किया। मतलब जैसे ड्रीम मैचेस होते नहीं कहीं के, बहुत सारे ड्रीम मैचेस होते हैं मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई में। लेकिन आपको पता ही होगा कई ड्रीम मैचेस होते हैं जो मतलब अलग अलग कंपनीज में होते हैं सुपरस्टार। तो फैंस स्पेकुलेट करते हैं कि ये ड्रीम मैच होना चाहिए, लाइक यंग बक्स वर्सेस ऊसो का मैच। भाई सब कितना खतरनाक मैच हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत कम। जो यंग बक्स हैं वो AEW के मतलब स्टार्स हैं एंड गाइस ऊसो से हैं WWE के स्टार हैं। WWE का लेवल जिस लेवल पे, उस लेवल पे AEW नहीं है। तो गाइस, ऊसो ने उसी पे रिएक्ट करते हुए कहा कि अगर तुम्हें ये मैच चाहिए, मतलब फनी वे में कहा होगा कि अगर तुम्हें मैच चाहिए, ड्रीम मैच, तो तुझे कूद के इस कंपनी में आना होगा। हमारी कंपनी टॉप टायर पे है, क्योंकि WWE पता है आपको प्रो रेसलिंग में टॉप प्रायोरिटी है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और गाइज, यंग बस एंड ऊसो का मैच यार मुझे लगता होगा इन फ्यूचर। क्योंकि यार आप खुद ही सोचो ना, क्यों ही होगा मैच, AEW से यंग बक्स आएंगे नहीं कभी WWE में। इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तो गाइज, हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है ट्रिपल एस से। तो ट्रिपल एस ने रिसेंटली स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटर से बात करते हुए ये कहा कि दिस टाइम के जो टैलेंट है, मतलब जिस टाइम अब के प्रेजेंट टाइम के जो टैलेंट है, वो पूरा परफेक्ट देते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, और इन्हें नेक्स्ट लेवल स्टार बनाने में बहुत मज़ा आएगा। मतलब नेक्स्ट लेवल पे स्टार बनाने में, क्योंकि आप पता है कार्मेलो हेल्स हो गए, ब्रॉन ब्रेकर हो गए, ग्रेसन वॉलर हो गए, ऑस्टिन थ्योरी हो गए, डॉम हो गए, इवन हमारे बैरन कॉर्बन हो गए। इन्हें नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने में मज़ा आएगा। बैरन कॉर्बन को छोड़ो, वो तो डाउन हो चुके हैं। हमारे डेमियन प्रीस्ट, इन्हें नेक्स्ट लेवल स्टार बनाने में मज़ा आएगा। एंड गाइस, उन्होंने ये कहा है कि आपको पता ही है गाइस, जब मतलब WWE के ओल्ड स्टार जैसे रोमन रेंज एक टाइम तक ही रहेंगे कंपनी में, फिर छोड़ के चले जाएंगे, तो उन्हें डील थ्रोन करने के बाद कोई ना कोई तो आएगा। जैसे लाइक सोलो सिकोवा, तो सोलो सिकोवा से ये अपडेट है, उन्होंने जॉन सिन्हा की कसम तोड़वा दी। जैसे जॉन सिन्हा कहा इस बार मैं जीतूंगा, लेकिन सोलो सिकोवा ने उन्हें हरा दिया। एंड सोलो सिकोवा के लिए बहुत बड़े प्लान हैं, क्योंकि पता है यार आपको, सुमोन डायनेस्टी से जो भी आता है, मतलब रोमन रेंस भी समोन डायनेस्टी में से आए थे, रॉक के कज़न थे, एंड सोलो सिकोवा जिमी एंड जे के कज़न है। तो भाई साहब, इन्हें तो पुश मिलेगा ही, इनकी तो ब्लड में ही रेसलिंग होती है, तो इन्हें बेस्ट पुश मिलेगा। सोलो सिकोवा को खतरनाक पुश मिल रहा है। तो गाइस, ये अपडेट्स थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।